हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता ही है, मैं ओलंपियाड एग्ज़ाम से संबंधित तैयारियों के बारे में आपको बताती हूं। और अभी मैं रीजनिंग के चैप्टर्स लेकर आ रही हूं क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। किस प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं इसके MCQ लेकर आ रही हूँ। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, ये जो मैं MCQ लेकर आ रही हूँ, जनरली बच्चों के सब्जेक्ट के वर्क बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्कूल में कराई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4, ऑड वन आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द ऑड टर्म अमोंगेस्ट द गिवन टर्म। पुट द थिंग्स और टर्म इन अ कैटेगरी। कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ शेप, साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, नंबर्स एंड क्वांटिटी एसेट्रा। इस आधार पर हम ऑड और वन आउट को फाइंड करते हैं। तो चलिए इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन 1 to 21। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है इसमें से तीन पिक्चर्स सेम रहेंगे, या सेम थिंग्स पर, या सेम क्वालिटी या नंबर, क्वांटिटी, साइज, शेप, किसी भी आधार पर उनमें तीन एक जैसा रहेगा, जबकि एक जो रहेगा वो अलग तरह से रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए कप, बी ग्लास, सी भी ग्लास है एंड डी बॉटल। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, यानी तीन में से एक, चार में से एक अलग कौन सा है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन डी बॉटल, क्योंकि ए बी सी तीनों इमेज जो है टॉप से खुला हुआ है, जबकि डी में क्या है, ढक्कन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, ये हम देख रहे हैं बैट, बैडमिंटन, कैप एंड हॉकी बैट। इसमें से सी जो है ऑड वन आउट है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इन ए बी और डी आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नंबर 3, गिटार, हारमोनियम, पियानो एंड स्पीकर। इसमें से हमें ऑड वन आउट बच्चों बताना है, तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी स्पीकर, जबकि ये तीनों जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मैन्युअली खुद बजा सकते हैं, मैन्युअली ऑपरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जबकि स्पीकर जो है इलेक्ट्रिकल बिजली से चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बुक, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड मोबाइल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बुक। ये तीनों चीज़ जो है हमारा ऑब्जेक्ट्स बी सी एंड डी आर मीडिया ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिल, इरेजर, पेन एंड पेंसिल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इरेजर। ऑब्जेक्ट्स इन ए सी एंड डी आर यूज इन राइटिंग। ये तीनों को राइटिंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि इरेज से हम कोई भी चीज रफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये सैंडविच, बर्गर, पिज्जा एंड ये कोल्ड ड्रिंक्स। तो इसमें अलग कौन सा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, ये पीने की चीज़ है, जबकि ए बी सी तीनों जो है खाने की चीज़ है, इटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख पा रहे हैं ए बी और डी आर ओपन कर्व्स एंड आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम कर्व लाइन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी ए बी और सी ये तीनों जो है कर्व लाइन से बनाए गए हैं, जबकि सी जो है कर्व लाइन से नहीं बनाए गए हैं, जबकि ए बी और डी कर्व लाइन से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम देख रहे हैं ये तीन स्क्वायर है, यहाँ पर भी तीन है, 1, 2, 3 है, जबकि ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर को कलर किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9,
को हम ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर बी सी एंड डी आर थ्री इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड। ठीक है, इन तीनों में जो है तीन इक्वल पार्ट्स से इसको डिवाइड किया गया है, जबकि ए जो है टू इक्वल पार्ट्स है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम देखते हैं ध्यान से ऑड वन आउट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ए बी और सी इनर फिगर आर डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। इसके अंदर इनर फिगर जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 1, 2, 3, 4 ये देख रहे हैं, ये चारों जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं इसके अंदर के फिगर, जबकि डी में क्या है इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये दो सर्कल्स हैं और ये फ्लावर्स हैं और ये फैन टाइप का बना हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फिगर्स ए बी सी आर फॉर्म ओनली बाई कर्व लाइन। इसको जो है ओनली कर्व लाइन से हम बना सकते हैं, जबकि इसको जो है हम कर्व लाइन से नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसे हम देखेंगे कौन ऑड वन आउट है। तो इसमें हम देख रहे हैं 5 ट्रायंगल और 1 सर्कल है, इसमें हमारा 3 ट्रायंगल एंड 4 ट्रायंगल है, इसमें भी 1 सर्कल एंड 5 ट्रायंगल है, और इसमें भी हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल और 1 सर्कल। तो ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम देख रहे हैं 2 ट्रायंगल हैं, ऑप्शन बी में ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, सी में ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बी सी एंड डी में 2 शेप्स डिफरेंट हैं, जबकि 13 के ए में जो है सेम शेप्स दिए गए हैं। सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये सर्कल हमारा दिया गया है, इसी को बाहर से राउंड अप किया गया है, फिर बी में भी हमारा इस प्रकार के शेप्स हैं सी एंड डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ए बी और डी आउटर शेप कैन बी ड्रॉ यूजिंग इनर सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर टोटल 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब सब में हम देख रहे हैं सर्कल 5 है। अब हम देखते हैं कलर सर्कल कितने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए बी सी अल्टरनेट सर्कल आर शेडेड। इन सब में हम देख रहे हैं अल्टरनेट यानी कलर है, फिर विदाउट कलर, कलर विदाउट कलर, फिर कलर। इसमें भी क्या हो रहा है, विदाउट कलर, कलर विदाउट कलर, कलर। इसमें भी इसी प्रकार हो रहा है, जबकि इसमें क्या है विदाउट कलर, कलर फिर विदाउट कलर, विदाउट कलर फिर कलर। तो अल्टरनेटिव जो है अल्टरनेटिव सर्कल आर शेडेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें हम देखते हैं स्क्वायर सर्कल, सर्कल ट्रायंगल, फिर सर्कल ट्रायंगल एंड यहाँ पर सर्कल एंड सर्कल, सेम शेप रिपीट हो रहा है, जबकि और सभी ऑप्शन में अलग अलग शेप, 2 शेप अलग अलग हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 different shapes intersect। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी एंड डी, इसमें हम देख पा रहे हैं इन ए बी सी ए स्मॉल अनशेडेड स्क्वायर इज फॉर्म्ड एट टॉप कॉर्नर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए स्मॉल कॉर्नर पर किया गया है, जबकि यहाँ यह बीच में है। सो
ऑड वन आउट इज इक्वल टू ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 80. एस ए ई एक्स, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? तो फिगर बी सी एंड डी आर फॉर्म्ड ओनली बाय स्ट्रेट लाइन, और ये जो है कर्व लाइन से बना हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19. इस प्रकार के शेप्स बने हुए हैं, इसको हम देखेंगे. फिगर इन ए बी और डी हैव एरो ऑन बोथ साइड ऑफ ऑल लाइंस, जबकि ये जो है एक ही तरफ बना हुआ है, जबकि इसमें बोथ साइड एरो लाइंस बने हुए हैं. यहाँ पे क्या है, ये एरो लाइंस इसमें नहीं बने हुए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20. ये हम देख पा रहे हैं ये सर्कल है ए बी सी एंड डी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ए सी एंड डी सर्कल डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 21. ए बी सी एंड डी, ए बी सी फिगर्स आर डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.